यहाँ एक क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल फेवर मैक्सिमम फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन द रिएक्शन। ठीक है, तो हमें क्या दे रखी है, कंडीशंस दे रखी है कौन कौन सी, एक तो टेम्परेचर की, ठीक है, और एक प्रेशर की, ठीक है, और चारों कंडीशंस है हमारे पास। तो ये कह रहा है क्वेश्चन में कि इन इनमें से कौन सी कंडीशन किसको फेवर करेगी, प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में यानी एक्स टू के बनने में, ठीक है, इस रिएक्शन में। तो हम देखें हमारे जो है, अगर हम यहाँ पर देखें तो अकॉर्डिंग टू लेशेटलियर रूल, लेशेटलियर ने क्या कहा था कि टेम्परेचर में अगर चेंज किया जाए, ठीक है ना, तो टेम्परेचर अगर आप पढ़ाए तो रिएक्शन क्या होगी, उस डायरेक्शन में चलने लगेगी जिधर इस टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या हो, लॉस हो, ठीक है ना, लॉस की तरफ जाने लगेगी। तो अब हम यहाँ रिएक्शन में देखेंगे कि लॉस किस तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, अगर ये रिएक्शन क्या हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी तो हमें क्या, एक्स टू हमारा प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है, और हम चाहते हैं कि प्रोडक्ट ही मिले क्योंकि प्रोडक्ट को ही फेवर करना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड चले तो एंथैल्पी क्या है यहाँ पर, माइनस एक्स, यानी क्या है, एनर्जी जो है निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और अगर यही रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगे तो क्या होगा, ये एनर्जी वापस इसको देना पड़ेगी प्रोडक्ट को, और ये क्या होगा, ए टू बी टू के पास वापस चले जाएगी एनर्जी। यानी अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो एनर्जी निकल रही है तो हमें फायदा है, एडवांटेज है, हम इस एनर्जी का कहीं यूज कर सकते हैं, और अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगे तो ये एनर्जी वापस इनके पास चली जाएगी, हमारा लॉस है, ठीक है ना। ए टू बी टू इस एनर्जी को रख लेंगे, यानी रिएक्शन बैकवर्ड चलने लगेगी, यानी क्या हो जाएगी, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में क्या होती है, एनर्जी रिएक्टेंट्स के पास उनके अंदर वापस चली जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम चाहते हैं एक्स टू बने, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हम जानते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से डिस्ट्रॉय की तरफ चली जाती है रिएक्शन, जैसा भी हमने देखा कि एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, यानी अगर ये बैकवर्ड चलने लगे, यानी किस डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में चलने लगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंथैल्पी पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है ना, एक्स जो है पॉजिटिव हो जाएगी। तो डिस्ट्रॉय बैकवर्ड चलने में, और हम चाहते हैं हमको प्रोडक्ट मिले, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन बैकवर्ड यानी डिस्ट्रॉय की तरफ चलने लगेगी। हमने अभी देखा कि डिस्ट्रॉय क्या होता है, एनर्जी जब एंडोथर्मिक हो जाती है, ठीक है ना, ए टू बी टू में चली जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो है एनर्जी निकलेगी, ठीक है ना, माइनस एक्स से एक्सोथर्मिक, इस एनर्जी का हम कहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हमें टेम्परेचर लो रखना पड़ेगा। अब हम बात करें किसकी, प्रेशर की। अगर हम अकॉर्डिंग टू लेशेटलियर बात करें, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा कि ए टू का क्या है, वन मोल है, यानी मोल जो है हम जानते हैं एवोगैड्रो रूल से क्या होता है, मोल वॉल्यूम के इक्वल होता है। तो यहाँ पर एक मोल यानी एक वॉल्यूम, यहाँ पर बी का एक मोल है यानी एक और वॉल्यूम, यानी रिएक्टेंट्स के यहाँ पर कितने मोल हो रहे हैं, दो मोल हो रहे हैं, और यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट एक्स टू का क्या है, एक मोल है, ठीक है। तो हम अगर यहाँ पर देखें इस कंडीशन में, अगर हम प्रेशर बढ़ाएं तो लेशेटलियर, अकॉर्डिंग टू लेशेटलियर कि अगर प्रेशर को बढ़ाया जाए तो रिएक्शन किधर जाने लगेगी, डिस्ट्रॉय की तरफ, और हम जानते हैं कि प्रेशर अगर हम बढ़ाएं, बहुत प्रेशर अगर हम क्रिएट करें, ठीक है, और अचानक से हम वॉल्यूम कम कर दें या वॉल्यूम कम हो जाए, ठीक है ना, हमने अच्छा प्रेशर बना रखा है किसी सिस्टम पे, ठीक है ना, पिस्टन पे प्रेशर बना रखा, और अचानक से हम क्या कर दें कि अगर स्टॉप कॉक अगर हमने लगा रखी है इस सिस्टम में, या होल कहीं पर है और उसमें हमने क्या लगा रखा है, स्टॉपर लगा रखा है, और हम स्टॉपर को अचानक खोल दें, तो क्या होगी, गैस निकल जाएगी और हमारा प्रेशर क्या होगा, लॉस हो जाएगा, प्रेशर हमारा बनाया हुआ ख़त्म हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन किधर जाती है, वॉल्यूम के कम होने की तरफ, यानी प्रेशर के लॉस की तरफ। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम रिएक्टेंट की तरफ, यानी अगर रिएक्शन अगर बैकवर्ड चले तो इधर वॉल्यूम बढ़ रहा है, और अगर रिएक्शन इधर फॉरवर्ड चले तो इधर वॉल्यूम कम हो रहा है। और हम जानते हैं प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, डिस्ट्रॉय की तरफ यानी वॉल्यूम कम होने की तरफ रिएक्शन जाती है,
यानी हमें क्या रखना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर हाई रखने से क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम की तरफ प्रेशर का डिस्ट्रॉय हो रहा है, प्रेशर का हमारा नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पर रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड चलेगी, ठीक है ना। और फॉरवर्ड चलेगी तो यहाँ पर फिर फेवर होगा, यानी हमें प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रेशर हाई रखना पड़ेगा ताकि डिस्ट्रॉय कम वॉल्यूम की तरफ चले तो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम है, ठीक है ना, और रिएक्टेंट का ज़्यादा है। उसी तरह टेम्परेचर का हमने देखा, तो टेम्परेचर का लॉस किधर होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ। तो यहाँ फॉरवर्ड में हम जानते हैं जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और बैकवर्ड अगर ये चलने लगेगी तो क्या होगा, प्लस एक्स, यानी ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। तो हमको फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेम्परेचर जो है कम रखना पड़ेगा, ठीक है, और प्रेशर हाई रखना पड़ेगा, यानी हमारा आंसर यहाँ पे क्या ए होगा, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।